नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर, बैलखनाथ धाम ब्लॉक के ग्राम पंचायत परानपुर विजहरा ग्राम में बने अस्थाई गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा मंडल महामंत्री हनुमान त्रिपाठी, मंडल मंत्री धर्मेंद्र सिंह, सेक्टर संयोजक श्री प्रकाश तिवारी, ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सरोज, शैलेश मिश्रा, भुवनेश नारायण तिवारी, अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। आनंद मिश्रा की रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं JNI न्यूज चैनल। मैं इस वक्त हूँ ग्राम पंचायत परानपुर के गौ संरक्षण केंद्र में, जहाँ पे बीजेपी के मंडल महामंत्री और सेक्टर संयोजक और सेक्टर मंडल महामंत्री भी हैं हमारे साथ, और शक्तिपीठ जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी, हनुमान प्रसाद त्रिपाठी जी हैं और श्री प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, जो कि गौशाला का निरीक्षण करने पहुँचे हैं यहाँ पे। आइए हम जानते हैं कि पिछले महीनों जो हालात थे इस गौशाला के और इस समय क्या हालात हैं, ये आइए जानकारी लेते हैं मंडल महामंत्री हनुमान प्रसाद त्रिपाठी से। हाँ सर, बताइए पहले के जो हालात थे इस गौशाले में, जो परेशानी थी यहाँ पे, अभी कैसा आप लग रहा है यहाँ पे, किस तरह से लग रहा है, कुछ बताएं इसके बारे में। हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री माननीय मोती सिंह के संरक्षण में पट्टी विधानसभा से जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बनाए हुए नियमों का पालन कर रहे हमारे यहाँ पे ग्राम प्रधान भाई धर्मेंद्र सरोज द्वारा विगत इस प्रधानी के कार्यकाल में ऐसा गौ संरक्षण केंद्र देखने को नहीं मिलता, जैसी व्यवस्था, साफ सफाई। यहाँ पे डेली के जो गौ संरक्षण केंद्र में हमारे लगे हुए हैं, जैसे लाल बहादुर सरोज जी हैं, नीलम हैं और मुन्ना हैं, इन लोगों की व्यवस्था देख के साफ़ सफाई की बहुत बढ़िया लगा। डेली पशुओं को टाइम पे चारा, पानी और उनके देख रेख में कोई भी कमियां नहीं। बात देना चाहूँगा हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह के सानिध्य में, जो पट्टी विधानसभा में परानपुर ग्राम सभा विकासखंड बाबा बिलखननाथ में ऐसा गौ संरक्षण केंद्र बना है। और धन्यवाद देना चाहूँगा ग्राम प्रधान भाई धर्मेंद्र सरोज का, जो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर दिए हुए हैं। और हमारी गौ माता हैं, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, हर जगह इनकी आराधना होती है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तक ऐसी न्यूज जाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया कि पिछले समय जो हालात थे उससे बेहतर सुविधा अब है, त्रिपाठी जी का कहना है। मैं आनंद मिश्रा, JNI न्यूज चैनल, प्रतापगढ़।